आज हम मटन चौचौ बनाएंगे। इसके लिए 300 मटन है, एक कॉलीफ्लावर ऐसा छोटा काट पीस काट लिया, गाजर को लंबा लंबा काट लिया, और प्याज है इसको छोटा छोटा, अनियन है इसको चार चार भाग करके इसका पेटल निकाल लेना है ऐसा करके। ऐसा करके इसको चार भाग कीजिएगा छोटा अनियन को, उसका बाद में इसका पेटल अलग से निकालना है एक एक करके। ऐसा करके उसके बाद में एक बीन्स है, एक बोल बीन्स है, इसको लॉन्ग लॉन्ग करके काटना है। लॉन्ग लॉन्ग पूरा बीन्स काट लिया, खाली दो तीन दिखाने के लिए रखा हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग और एक गार्लिक है, इसको चॉप कर लिया स्मॉल स्मॉल चॉप, एक एक पूरा गार्लिक है। ये सॉल्ट है, सॉल्ट टू टेस्ट, कॉर्नफ्लोर एंड सोयाबीन सॉस एंड अजीनोमोटो। अजीनोमोटो ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो दे सकते नहीं, एंड रिफाइन ऑयल। हम गैस जलाएंगे, कुकर को रख दिया गैस पे। रिफाइन ऑयल डालेंगे, आप ऑयल अंदाज से अपना दे सकते हैं, 200 ग्राम ऐसा दिया है। तेल गर्म होते लहसुन चॉप डाल देना है, लहसुन को थोड़ा से फ्राई करके तब मीट डालना है। लहसुन दे दिया है, अब लहसुन थोड़ा फ्राई हो गया हल्का से, अब मीट डाल देंगे। मीट डाल के थोड़ा सा नमक दे के इसको छोड़ देंगे, नमक आप अपना टेस्ट का अनुसार दीजिएगा। अब इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ा देर।
15 मिनट लगभग हो गया, अब हम मीट को देखेंगे। देखिए हमारा मीट का पानी सब खत्म हो गया और मीट भी गल गया अच्छे से। अब इसमें हम सोया सॉस डालेंगे 1 चम्मच, 1 टीस्पून डाल के थोड़ा सा मिलाएंगे मीट को। देखिए मीट का कलर थोड़ा से डार्क हो गया सोया सॉस से। अब हम सब्जी में सबसे आगे कॉलीफ्लावर देंगे, इसलिए कॉलीफ्लावर थोड़ा हार्ड है, गलने में टाइम लगता है। कॉलीफ्लावर दे के थोड़ा ढक देंगे, थोड़ा गल जाएगा तब हम बीन्स और गाजर दे देंगे। अब हम खोल के देखेंगे कॉलीफ्लावर गला कि नहीं। देखिए कॉलीफ्लावर अच्छे से हो गया थोड़ा से। अब हम दूसरा सब्जी डालेंगे, बीन्स डालेंगे। गाजर सब्जी दिया, थोड़ा सा और सॉल्ट देंगे। पहले मीट में सॉल्ट दिया हुआ है पहले से, थोड़ा से सब्जी के लिए डाला। आप अपना हिसाब से डालिएगा सॉल्ट। थोड़ा देर ही 5 मिनट इसको छोड़ देंगे ढक के। 5 मिनट हो गया, और इसको खोल के देखेंगे सब्जी। देखिए सब सब्जी गल गई है। अब हम अनियन डालेंगे। अनियन डाल के और 1 टीस्पून सोया सॉस डालेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे। सब सब्जी को एक संग मिला के उसको थोड़ा देर छोड़ देंगे पकने के लिए, उसके बाद कॉर्नफ्लोर डालेंगे। अब हम खोल के देखेंगे अनियन दिया है। देखिए मेरा अनियन ट्रांसपेरेंट हो गया, कितना सुंदर कलर आ गया। अब सब सब्जी एक हो गया गल के। अब हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे, 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर है, उसको पानी से घोल लिया। आज धीमी करके इसको आस्ते से डाल देंगे।
उसको मिला देंगे अच्छे से। अब थोड़ा और पानी डालेंगे। अच्छे से पका लेंगे कॉर्नफ्लोर को थोड़ा आँच तेज करके। अब चाहे जितना अंदाज से अपना ग्रेवी कीजिएगा। इसमें कॉर्नफ्लोर डाला इसलिए थोड़ा ग्रेवी पतला करना अच्छा रहता है, गाढ़ा करने से और गाढ़ा हो जाएगा बाद में। अब थोड़ा से अजीनोमोटो डालेंगे, इसलिए चाइनीज़ फूड है, चाइनीज़ फ्लेवर के लिए थोड़ा सा एकदम। अगर आप नहीं चाहे तो नहीं डाल सक डालिए। बन के तैयार है चौचौ रेसिपी। इसको हम राइस से खा सकते हैं, गरम गरम राइस और चौचौ सर्व करके दिखाएंगे आपको। ये मटन चौचौ बन के तैयार है, इसे आप एक बार बना के ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद आप खा के देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो एक बार मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।